हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइस के बाद बसीन पे। सो गाइस, जिस तरीके से हमने देखा था कि मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी डाउन साइड से, हमने देखा था कि जब मार्केट ऊपर हुई थी गाइस तो वो बहुत ज्यादा डाउन साइड में हुई थी 10,640 के आसपास, और हमने वहां से एक रिकवरी देखी, यानी कि हमने 200 से 250 पॉइंट तक की मूवमेंट देखी है निफ्टी के अंदर। तो गाइस, ट्रेड किस तरीके से करना है, आपको पता है कि जो स्टिमुलस इकोनॉमी पे आया था, जो इकोनॉमिक स्टिमुलस जो फाइनेंस मिनिस्टर ने निकाला है वो बहुत बढ़िया निकाला है। हम देख सकते हैं कि मार्केट शायद 1-2% ऊपर भी खुल सके उसकी वजह से। तो गाइस, ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर ही खुलेंगे, गैप अप भी ओपन होगा। तो गाइस, मैं आपको सेलिंग के आइडियाज तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, तो मैं ज्यादातर आपको बाइंग के ही आइडिया दूंगा, जो 5 स्टॉक्स मैं आपने लेकर आया हूँ। उसी के साथ हम बात करेंगे गाइस, जो SBI जो टैक्सेस हटा दिए गए हैं वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात थी, तो उसकी वजह से भी लगता है कि मार्केट एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकता है। गाइज, अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना ने दोबारा 75 बिलियन गुड्स डॉलर गुड्स पे टैरिफ लगा दिया है यूएस पे, और उसके बाद यूएस ने काउंटर करा तो अपनी कंपनीज को कहा कि जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ पर भेजते हैं यूएस पे वो भेजना बंद कर देंगे। तो गाइज, उसकी वजह से हम देखा कि मार्केट 3-3.5% गिर गई थी यूएस पे, और वैसे ही अब दोबारा काउंटर टैरिफ वो लगाने वाले हैं, यूएस प्लान कर रहे हैं। तो गाइज, ऐसे जो ट्रेड टैरिफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी जो ये स्टिमुलस लेकर आई है, जो टैक्सेस आए हैं, ज्यादा दिन इसको ऊपर की तरफ मार्केट रख पाएगी। गाइस, 1-2 दिन मार्केट ऊपर रह पाएगी इसकी वजह से, पर एंड अप मुझे लगता है कि मार्केट नीचे ही करेगी, क्योंकि जब तक ट्रेड वॉर का ये फियर खत्म नहीं होता, तब तक ये जो टेंशन है वो खत्म नहीं होती, तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट ज्यादातर ऊपर नहीं जा सकते। तो गाइस, अभी के लिए तो कल जब मार्केट गैप अप ओपन होगी तो किस तरीके से स्टॉक्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आपके रिटर्न अच्छे दे जाए। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर आपके लिए ट्रेंड लाइन बना ही दी है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो 2018 के अक्टूबर से इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। चैनल के अंदर ट्रेड करने के बाद हमने देखा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला अराउंड हमें 110 के लेवल के आसपास, 110 के लेवल के आसपास। जैसे हमने एक ब्रेकडाउन देखा तो हमारा जो टारगेट था वो टारगेट हमारा था कि इस चैनल के एंड अप तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है, जो कि इसका लेवल है 91 का। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट यहीं पर ही जाके इसने अपना लो मारा और वहां से हमने एक रिकवरी देखी कल के ट्रेडिंग सेशन। तो गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस दे सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ तक दे सकता है ये जा सकता है, 96.80 या 97 तक के लेवल्स तक आराम से मुझे लगता है कि जा सकता है, यानी कि यहाँ से आपको 4 से 5 रुपए तक की मूवमेंट ये आराम से देकर जा सकता है। मिनिमम टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा हमें दिखा सकता है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। तो इंट्राडे पोजिशन के हिसाब से तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं 96-97 के टारगेट के लिए। पर गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये कम से कम 10 महीने तक का जो रेंज थी उसको इसने तोड़ा, और मुझे नहीं लगता कि एकदम से एंड अप करेगा और ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। शायद ये थोड़ा बहुत ऊपर रिकवर करे और वहां से अब दोबारा में नीचे डाउनफॉल देखे। तो गाइस, इसीलिए अभी हमारे पास एक चांस है पर्टिकुलर स्टॉक को इंट्राडे पे पैसा कमाने का, तो बाय करके चल सकते हैं। मुझे लगता है 96-97-98 तक के टारगेट ये मैटर ऑफ टाइम 1 या 2 दिन में दिखा सकता है, वहां से फिर हम अपनी नई पोजिशन के बारे में बात करेंगे। आइबुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आइबुल हाउसिंग फाइनेंस भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है, एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है फरवरी से। गाइस, इसी साल की फरवरी से हम देख रहे हैं कि ये चैनल के अंदर वे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं कि हमने देखा था कि आइबुल हाउसिंग फाइनेंस में कितनी तेजी से 2-3 दिन के अंदर हमने देखी थी हेवी बाइंग आई थी, जो 400 के लेवल से उसे 500-550 तक के लेवल तक ले गया था। उसके बाद हमने देखा था कि उसी लेवल से एक दोबारा सेलिंग आई जो इस पर्टिकुलर काउंटर को 440 तक ले गया। तो गाइस, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, और रेंज के अंदर काम करते हुए हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक दोबारा बाइंग आ सकती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रेंज को इसने रीटेस्ट करा था कल के प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि थर्सडे को, और फ्राइडे को हमने दोबारा एक बाउंस देखा। हो सकता था तो फ्राइडे को भी एक गिरावट आ सकती थी गाइस, पर नहीं आई, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है, जो ये चैनल सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला बाउंड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, मुझे लगता है कि ये 500-518 तक ये आराम से जा सकता है। तो बाय करके चलिए आइबुल हाउसिंग फाइनेंस को, क्योंकि जब तक ये इस रेंज के अंदर है तब तक हम एक पर्टिकुलर बाय पोजीशन ही बना के रखेंगे। जैसे ही इस रेंज को तोड़ता है तब आप अपनी नई पोजीशन की तरफ बढ़ेंगे।
रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस पे भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं 2 बार रिलायंस के चार्ट आपके साथ लेकर आ चुका हूँ पिछले हफ्ते के अंदर अंदर ही। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसी की जैसी अगर ये रेंज तोड़ता है, यानी कि 12,070 का लेवल तोड़ता है, आपको तुरंत इसमें सेल पोजिशन को इनिशिएट कर लेना है और वहीं से जो आपकी टारगेट होगा वो आपका टारगेट होगा ये टारगेट जो कि था 12,030 का लेवल। और मैंने आपको ये क्यों दिया था, मैंने आपको बताया था गाइस कि अगर 12,030 का लेवल तोड़ देता है तो हम कहाँ तक की एक्सपेक्ट मूवमेंट कर सकते हैं, हम जा सकते हैं सीधा 11,060 11,065 पे। तो 12,030 का एक क्रूशियल लेवल था, वहां पर भी एक बाय पोजीशन इनिशिएट हो जानी चाहिए थी। पर गाइस जिस तरीके से हमने देखा कि कल के ट्रेडिंग सेशन परसों के ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने इस लेवल को तोड़ा, अपने इस चैनल को तोड़ा और वहां से हमने अगले दिन एक बाउंस देखा और चैनल के अंदर वो दोबारा ट्रेड करने लग गया। तो मुझे लगता है कि एक बुलिश साइन है रिलायंस के अंदर, तो एक रिलायंस पर हमें कॉन्ट्रा बाय पोजीशन दोबारा लेने की सोच रहे हैं, जिसपे 1,300 1,303 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो रिलायंस मुझे दिखा सकता है। बीईएल की बात करें तो बीईएल भी हमने बाय की सलाह दी थी अपने क्लाइंट्स को फ्राइडे के सेशन पे और इस पर हमने अच्छा खासा अर्न करा था। पर ये मुझे लगता है कि अभी भी बाय काउंटर बना हुआ है, अभी भी हम इसे बाय करके चल सकते हैं। जो मेरे टारगेट्स हैं वो मेरे टारगेट्स हैं 102 से लेकर 104 तक के टारगेट्स हैं और मुझे लगता है कि वहां तक ये आराम से मैटर ऑफ टाइम कल तक जा सकता है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था और जब इसके अंदर हम देखा कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला 98 के लेवल से, तो अगर आप मार्केट को वॉचली डेली वॉच करते हैं, अगर आप हर टाइम वॉच करते हैं उसे, तो अगर आपने स्टॉक को वॉच करा होगा, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इसने 98 के लेवल को तोड़ा तो हमने ये देखा कि वो 97.5 को एक बार भी ब्रेक नहीं करा। जी गाइस क्योंकि 98 इसका एक क्रूशियल लेवल था, तो 98 के लेवल को जैसे इसने ब्रेक करा उसके नीचे वो गया ही नहीं और हमने देखा कि उसके ऊपर ही वो ट्रेड करता रहा। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो 98 के ऊपर गया, हमने देखा कि वॉल्यूम मैटर ऑफ टाइम इंक्रीज होते रहे और ऊपर की तरफ बढ़ते रहा स्टॉक और वैसे ही वॉल्यूम भी हम देखते रहे बढ़ते रहे। तो गाइस अगर कल आपको ये डिप मिलती है, अगर आपको एक कल 99 98.5 के आसपास मिलता है तो आप इसे बाय करके चलिए। और मुझे लगता है कि इसका जो पहला टारगेट होगा वो 102 103 होगा और नेक्स्ट टारगेट होगा 104 का। पर गाइस अगर 104 का टारगेट ये तोड़ देती है तो 110 तक के लेवल तक भी आराम से बढ़ सकती है, बाय करके चलिए। मारुति मारुति भी मैं आपको 2 3 बार बता चुका हूँ गाइस, मारुति पे भी हम एक बाय कॉल लेकर रिकमेंड है, पर मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब तक इस लेवल के नीचे यानी कि 2160 6170 6160 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमें इस पे एक बाय पोजीशन इंडिकेट रखनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे मारुति ट्रेड तो हुआ पर इसके नीचे जाके इसने क्लोजिंग नहीं दी, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम एक बाय पोजीशन अभी भी इंडिकेट करके चल सकते हैं। तो गाइस अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो स्टैंडिंग ड्रॉप करी है, अगर मेरी वीडियो पिछली आप लोगों ने नहीं देखी है तो यहाँ पर इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है और हम देख रहे हैं कि 3 दिन उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो गाइस मुझे लगता है यहाँ से आप एक बाय पोजीशन इंडिकेट करके चल सकते हैं और वहां से मुझे लगता है 2350 तक के लेवल्स भी आराम से दिखा सकता है। गाइस 2350 एक क्रूशियल लेवल है मारुति के लिए क्योंकि वहां पर अगर मैं आपको दूर से दिखाऊँ तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, या फिर अगर आप मेरे चैनल पर जाके मारुति की डिटेल टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2350 2370 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम एक फ्रेश बाइंग पोजिशन और इनिशिएट करके चल सकते हैं मारुति के अंदर, पर तब तक के लिए हमारा पहला टारगेट होगा 2370 का लेवल। अगर हम बात करें निफ्टी फिफ्टी की तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी पे किस तरीके से हमने ट्रेड करा। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो थी उसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद हमने देखा एक हैवी सेलिंग आई थी, जो आप देख सकते हैं थर्सडे के सेशन में एक हैवी सेलिंग आई थी। आपको मैं अगर आली चार्ट में लेकर जाना चाहूंगा तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आपने कितना अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाया होगा 3 4 दिन से। गाइस आपको मैं दिखाता गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं लगातार 2 3 दिन तक आपके लिए वीडियो बना रहा था निफ्टी 50 का। मैंने आपको बता दिया था गाइस कि 11,000 का लेवल यानी कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ट्रेंड लाइन है नेक लाइन है वो जैसे ही ब्रेक होगी वैसे ही हमारा जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 10,920 का लेवल और वो जैसे ही ब्रेक होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 10,780 का लेवल। जी गाइस अगर आपने 11,000 पे एक सेल पोजीशन इंडिकेट करी होती मेरे कहने पे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर घर जाते हैं। पर गाइस आप देख सकते हैं उसके नीचे हमने क्लोजिंग देखने को मिली पर एकदम से रिकवरी आई और रिकवरी हमने देखा कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर जाके इसको क्लोजिंग देने में कामयाब रही।
जो कि लेवल था 11,10,800 का लेवल। तो गाइस एक बात और आपको डेली चार्ट में दिखाना चाहूंगा कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जैसे हम कहते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कि हम देखते हैं कि एक हैवी जब सेलिंग आती है और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी 10,740 पे, और हमने जब कल मार्केट ओपनिंग हुई फ्राइडे को सॉरी, आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग ओपन हुई और हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी, और जो रिकवरी आई है जो इसकी प्रीवियस कैंडल थी उसके 50% के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग होती है तो हम उसे कहते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, यानी कि जो प्रीवियस लो के नीचे वो गया और वहां से एक हैवी बाइंग आई, और वह हैवी जो बाइंग आई वो प्रीवियस कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में कामयाब रही, तो वहां से जो मार्केट है वो एक अपमूव ले सकता है। अब अपमूव कहाँ तक जा सकता है? मुझे लगता है कि इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था, जो पहले इसके लिए एक हर्डल का काम कर रहा था 10,920, वहां तक ये जा सकता है और नेक्स्ट 11,000 के लेवल या 11,040 के लेवल तक जा सकता है, जो कि इसका 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया 1-2% की गैप अप ओपनिंग हो सकती है, मुझे लगता है 11,040 तक ये आराम से जा सकता है। उसके ऊपर हमें देखना है कि रुके ना रुके, शायद हो सकता है कि पहले फर्स्ट आली में हम देखें कि मार्केट इंडिकेट करे कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री सॉरी जो निर्मला सीतारमन ने जो स्टिमुलस निकाला, जो एक इम्पोर्टेंट स्टिमुलस निकाला था, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करे फर्स्ट आवर में, और सेकेंड आवर में हम देखें कि जो यूएस की तरफ जो टेंशन लगी हुई है वहां पर हम देखें, तो हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग खुले, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग खुले, पर उसके बाद हम दोबारा एक सेलिंग देखने को मिल जाए। तो किस तरीके से रिएक्ट करना है वो मार्केट ओपन होगी तभी हम देख पाएंगे। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रह सकते हैं, वहां पर भी मैंने आपको BEL की कॉल दी थी, वहां पर भी आपने प्रॉफिट कमाया था। गाइस आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप भी प्रॉफिट डेली टू डेली कमा सकते हैं। तो गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाके फॉलो करिए, ज्वाइन हुई, और आप मेरे इंस्टाग्राम या आप मेरे ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेट्स डालते रहूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जो मैं आपके साथ ये अब टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू चार्ट के थ्रू ये आपको शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपको नॉलेज प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, और किस तरीके से मैं आपको और अच्छे से प्रोवाइड करा सकता हूँ। गुड बाय, साइनिंग ऑफ।